भगवद्गीता चैप्टर 3 कर्म योग श्लोक 42। इंद्रियाणि परान्यांगुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे पर तस्तु सः। अब इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं जो हमारा शरीर है उससे भी जो श्रेष्ठ है, उससे भी जो सुप्रीम है वो है इंद्रियां, यानी कि सेंसेस। क्योंकि सेंसेस बहुत बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकती हैं। हम कहते हैं इसे भूख लगती है, कहते हैं कि जो भूख है बड़े बड़े धर्मात्माओं का धर्म हिला देती है। जो भूख है, गरीबी है, इंद्रियां इस तरह से बॉडी को कंट्रोल करती हैं। पता ही नहीं चलता, कभी कभी तो पता चलता है कि इंसान को मान लो 24 घंटे से वो जागा हुआ है, या फिर 36 घंटे कभी कभी ओवर टाइम भी मजदूरों से कराते हैं। अगर भट्टी में काम कर रहा है, फैक्ट्री में मशीन के पास काम कर रहा है, उसे ऐसी नींद आती है कि पता ही नहीं चलता वो भट्टी में गिर गया, वो मशीन में कट गया। तो इंद्रियां इस तरह से बॉडी को कंट्रोल कर रही होती हैं। फिर कहते हैं जो हमारी सेंसेस हैं, जो उससे भी जो सुप्रीम है वो मन है, क्योंकि मन सेंसेस को भी कंट्रोल कर सकता है। अब पर मन इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं करता है। जब हमें बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती है कि मान लो अब ये जाएँ या ना कहें, ये बात कहें या ना कहें, मन डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि करें या ना करें, क्योंकि उसके लिए एग्जैक्ट रीज़न चाहिए होता है कि हम करें या ना करें, वो हमारे पास होता नहीं है। तो इसीलिए डोलते रह जाते हैं और कह रहे हैं अगर मन के पास रीज़न है। फिर कहते हैं कि मन से जो सुप्रीम है वो है बुद्धि, यानी कि जो बुद्धि ही अब मन को बताएगी, क्योंकि मन तो डोल रहा है। मन के पास दो ऑप्शन है, ये बात कहनी है या नहीं कहनी है, ऐसा करना है या फिर नहीं कहना है। तो इसका वो डिसीजन कर नहीं पाता है, इसके लिए फिर बुद्धि चाहिए होती है। अब ये बात कहनी या नहीं कहनी है, ये बुद्धि ही बताएगी कहनी या नहीं कहनी है, आगे इसका जाके क्या असर होने वाला है। फिर जो बुद्धि है उससे भी कहा जा रहा है, उससे जो सुप्रीम है वो है आत्मा, क्योंकि बुद्धि कहाँ से नॉलेज लेके आएगी। बुद्धि तो वही नॉलेज लेके आएगी जो आसपास घट चुका है, और आसपास का एक घटनाएं घटती हैं। हम कितने भी लिस्ट बनाकर लिख लें कि इस समय हम ऐसा बोलेंगे, इस समय हम ऐसे करेंगे, ये हमारे साथ ऐसा बोलेगा तो हम ऐसा बिहेव करेंगे, जितनी भी हमने सारी लिस्ट बना के रखी रहती है, धरी की धरी रह जाती है। फिर वहाँ पर काम आती है आत्मा। जो आत्मा है, कभी कभी हमारे मन में आवाज़ आती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा बोलो, पर हम बेचैनी अंदर से इतने होते हैं कि वो आवाज़ जो होती है, वो फीलिंग होती है, बाहर तक आ ही नहीं पाती। वो जैसे हम बोल देते हैं, किसी को बुरा बोल देते हैं, या फिर जो काम नहीं करना होता है वो कर देते हैं, अंदर से बाद में हमें पता चलता है गलत हो गया। फिर हमें फीलिंग आती है हल्की सी, नहीं पहले ही वो आ गया था, पर हम खुद को रोक नहीं पाए, वो एक्ट हो गया था। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं जो हमारी बॉडी है उससे सुप्रीम हमारे सेंसेस है, सेंसेस से सुप्रीम मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा। और कहते हैं जो आत्मा को जान जाता है, कबीरदास जी कहते हैं कि समंदा यारा छाटिया दीपक देखा माही। दीपक यानी कि प्रकाश, बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो आत्मा। तम यानी कि अंधकार, आत्मा यानी कि शायद ये हो सकता है कि जहाँ पे अंधकार ना हो, बुद्ध भी उसी दीपक की बात कर रहे हैं।